मेरे पास ये एक मैजिक बोतल है, मैं इसको फ्लिप करूंगा और ये नीचे नहीं गिरेगी। ये बोतल आपने देखा नीचे नहीं गिरती, इसकी क्या रीजन है? एक्चुअली इस बोतल के अंदर मैजिक वाटर है और मैंने वो मैजिक वाटर कैसे बनाया है अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इस मैजिक बोतल के अंदर कौन सा मैजिक वाटर है उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि इसकी साइंस है क्या। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट हम सिंपल टैप वाटर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपके 50-50% चांसेस होते हैं, लाइक बोतल गिर भी जाएगी और नहीं भी गिरेगी, और इसमें आपकी प्रैक्टिस भी काम आती है। मैंने इस बोतल का सेंटर ऑफ मास ज़्यादा कर दिया है। इसकी मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। ये मेरे पास एक बलून है और बलून के अंदर मैंने एक पैनी डाल दिया है। इसके अंदर जब मैं इसको टेबल पर रखूंगा और इसको ऊपर से मैं पुश करूंगा, आप देखें ये मेरी तरफ वापस आ रहा है क्योंकि मैंने इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नीचे कर दिया है। इस बोतल को मैजिक बोतल बनाने के लिए मैंने इसके अंदर क्या डाला है? मैंने इसके अंदर सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट मैंने कुछ स्पून इसके अंदर डाल दिए थे। मैंने वाटर के अंदर 5 स्पून सॉल्ट के डाल दिए, उसको अच्छी तरह मिक्स किया। थोड़ी देर सॉल्ट सॉल्यूशन को जब रखेंगे उसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको हम किसी भी बोतल में फिल कर लेंगे और ऐसे लगेगा जैसे सिंपल प्लेन वाटर है। इसको हम ट्राई करेंगे, ट्राई करने पे ये बोतल गिर भी सकती है, लेकिन इसके चांसेस 99.9% प्लेन वाटर से ज़्यादा होंगे क्योंकि हमने इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो और ज़्यादा नीचे कर दिया है, जिसकी वजह से बोतल बैलेंस हो जाती है।